काव्या तुम समझ नहीं रही हो, तुम जाओ मुझे छोड़कर, जो मैं करने जा रहा हूं उसके बाद मेरा ही डिपार्टमेंट मुझे मार डालेगा। उस दिन मैंने रोका था ना तुम्हें जाने से, तो अब मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ सिंगम? सर हम तीनों ने पुलिस की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। साहब पुलिस वाला था तो कभी ड्यूटी की अच्छी नहीं, लेकिन आज ड्यूटी नहीं है फिर भी आपके साथ पुलिस वालों का काम कर रहा है। सर कोई साथ दे ना दे, लेकिन हम आपका साथ जरूर देंगे। मैं उस 5 साल के बच्चे की आंख से आंख मिलाकर बोल कर आया कि उसका बाप सही था और जयकांत शिखरे गलत। मैं विक्रम पवार इस शहर का डीजीपी होने के नाते इंस्पेक्टर राकेश कदम को इंसाफ और जयकांत को सजा दिलवाऊंगा। आने वाले 24 घंटों में यह पुलिस डिपार्टमेंट किसी भी पॉलिटिशियन वीआईपी और ब्यूरोक्रेट के लिए काम नहीं करेगा। यह डिपार्टमेंट वही करेगा जो उसे सही लगता है। आईजी शपथ कल जयकार शपथ नहीं लेगा। जयकांत शिकरे जय हो। जयकांत जय क्या कर रहे हैं आप? अरे इतनी रात को मतलब उधर को ये राज सिंघम आपको मारने का प्लान बना रहा है मालूम है आपको? तो अरे साले अरे 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 क्या ने बस साले को, ऐसा नहीं होता है जयकांत भाऊ। शपथ लेने से पहले कुछ गड़बड़ हो गई ना तो संपर्क देवा रे देवा। अरे न्यूज मीडिया पब्लिक सब लोग मिलके एक काम करते हैं, आप मेरे साथ में चलो, मैं आपको वेरी सेफ प्लेस में लेके जाता हूँ। चलो आप मेरे साथ चलो, चलो सोचो मत, चलो अरे चलो। अरे आप कहाँ जाना है? ए डीएसपी तुझे सटक ले ये काय, एक सिंघम के लिए इतने सारे पुलिस वाले? अरे जयकांत को मारने के लिए सिंघम आ रहा है, रजनीकांत नहीं ये रजनीकांत। अरे डीजीपी साहब आप भी यहाँ? अतिथि देवो भवन, क्या बात है क्या बात है, मिनिस्टर बनने से पहले ही इतना पावर। अरे डीएसपी मेहमानों के चाय पानी का इंतजाम करो और आने दो साले को, बुला उस गावत सिंघम को। बुलाता हूँ सिंघम। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, तूने तो दोनों ही कर ली।
इससे दोस्ती मुझसे दुश्मनी तो साला डीएसपी क्या करूं जयकान, आदमी कितना भी दिन भर भटक ले शाम को अपने ही घर लौटता है और फिर पुलिस वाला हूं। आखिर मैं पुलिस वालों का साथ दूंगा ना, तो बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, मिले सुर मेरा तुम्हारा तुम चाचा घंटा घंटा मेरा कुछ बिगाड़ोगे तुम लोग, कल शपथ लेनी है मी मंत्री महोदय श्री श्री जयकान चिकरे। और 1947 से लेकर 2011 तक राजनीति का इतिहास देख लो पढ़ लो, भारत देश में किसी नेता को आज तक सजा नहीं मिली। लेकिन वो आज तेरा कल से शुरू हो रहा है जयकान, और आज की रात तो हमारे हाथ में है। मतलब क्या है तेरा? साफ है, तेरे को साफ करना पड़ेगा। लेकिन साहब इसके साथ जो करना है वो अभी इसी वक्त करना पड़ेगा। क्या करेगा तू? क्या कर लोगे तुम लोग? फडनेस, यस सर, इसको मार के सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। क्या क्या हलवा है, क्या हल है, डिक्लेयर कर देंगे? ए डीजीपी, ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे मारेंगे, समझाओ इनको डीजीपी, समझाओ। कहाँ है डीजीपी? डीजीपी तो तुम लोगों के इलेक्शन ड्यूटी करते करते थक गया है बेचारा, बीपी हाई हो गया, डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी और सुला दिया है, अब तो कल सुबह ही उठेगा। तुम सब लोग मिलकर मुझे मारने को प्लान बना रहे हैं। सर कैसे करें? मैं तो कहता हूँ तू क्या कर रहा है, अंदर रख, बात कर रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, कॉकरोच मारने के वास्ते बेगर नहीं मिला तो पैरागोन भी चलता है। सर मैं तो कहता हूँ इसके हाथ की नसें काट देते हैं। खुद का काटना और दूसरों के काटने में बहुत फर्क मालूम पड़ सकता है। सर हम इंक्वायरी में फंसेंगे। हाँ वही, सब लोग फंसोगे। सर बेस्ट है इसे पंखे से लटका देते हैं। पंखे से लटकेगा तो इसके भारी वजन से पंखा भी टूट जाएगा। रस्सी डाला तोड़ देते हैं, बोल देंगे पंखे से लटका था। नहीं सर, हम इसे पंखे से लटका कर मारेंगे तो वी मार आएगा, और गला दबा कर मारेंगे तो ओ मार, हम फंस सकते हैं सर। अरे वी वो तुम चाहता को, ये डीजीपी सुना है लो क्या बोल रहे हैं? डीजीपी डीजीपी है ही कहा, हाय बीपी, वो तो बस सो रहा है। सर वो सामने की जो तीन माले वाली बिल्डिंग है ना, उससे फेंक देते हैं। सर इसको तीसरे माले से फेंकेंगे तो सिर्फ हाथ पर टूटेंगे, जान से नहीं जाएगा, इसे कम से कम छठे माले से फेंकते हैं। तो तीन माले से दो बार फेंकते हैं, तीन तीन छह। क्या मजाक है, बकरा हूँ, मार दो फेंको, बिरयानी बना के खा लो। जयकांत शिकरे हूँ, एक एक को गोली मार दूंगा। सबसे अच्छा तरीका तो इसने बताया। अब बस सर, वो गाड़ी में चोरी वाली गन पड़ी है ना, उससे इसका भेजा उड़ा देते हैं। सर फिर उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट के निशान, जयकांत भी खत्म और केस भी। तू मुझे मारेगा? मैं नहीं जयकांत, तेरा अहंकार तेरा ही को तुझे मारेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, पूरे पुलिस फोर्स को लेके आ गया ये अकेले कुमार में, ये हीरो नहीं है, मिलन है, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है, पहले भी गांव में पूरे गांव वालों को लेके आ गया, और आज मेरा घर में पूरे पुलिस फोर्स को लेके आ गया, बेचारा सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं, और मेरा हर सपना पूरा होगा। आली रे आली, माझी बारे आली, समझ। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, हाँ हेलो,
कहा से बोल रहे हो? एक मिनट, आप